और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना विस्फोट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से मोर्चे पर आ गए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 250 और आईसीयू बेड के इंतजाम की तैयारी की है। ये पहले से मौजूद 250 बिस्तरों के अलावा है। मल्टी डिसिप्लिनरी 10 टीमों का गठन किया गया है। ये टीम 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी, अस्पतालों में बिस्तरों के इस्तेमाल, टेस्टिंग की सुविधाएं और दूसरी चीजों पर अपनी नजर रखेंगी। 250 वेंटिलेटर बैंगलोर से नवंबर अंत तक राजधानी दिल्ली आ जाएंगे। नवंबर अंत तक रोजाना 60,000 टेस्ट का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली में आंकड़े जिस तरह से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं दिल्ली में एलजी ने आज दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी, जिसके तहत शादियों में 200 की बजाय 50 लोगों को आने की इजाजत हो। केजरीवाल सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। हो रहा है, आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली है, मौत के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दहशत और मुश्किलों का दौर लौट आया है। जरा 24 घंटे में नए केस 6,396, 24 घंटे में मौत 99, कुल संक्रमित 4,95,598, कुल मौत 7,812, एक्टिव केस 42,004। 17 नवंबर की रात 10 बजे तक हालात बेकाबू होता देख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चे पर उतर आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कमान संभाल ली है। कोरोना से जंग में दिल्ली का पूरा सिस्टम एक बार फिर से एक्शन में है। गाइडलाइंस के अंदर और ज्यादा परिवर्तन करने की बात हो, या जो जो कुछ जहां जहां आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय जी, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहां की सरकार को जो है निर्देश दिए। कोरोना से जंग में दिल्ली को पहले कामयाबी मिली थी, आंकड़े लगातार नीचे गिरते गए, लेकिन अब तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। एक हफ्ते में दिल्ली में मौत का आंकड़ा देखिए, 10 नवंबर 83, 11 नवंबर 85, 12 नवंबर 104, 13 नवंबर 91, 14 नवंबर 96, 15 नवंबर 95, 16 नवंबर 99, 17 नवंबर 99। दिल्ली ने दिखलाया है कि पूरी ताकत से मुकाबला किया तो कोरोना को एक बार फिर से मात दी जा सकती है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली वालों के दिल में उठ रहे हैं। सवाल ये कि एक बार कोरोना काबू में आ गया था तो उसे बेकाबू क्यों होने दिया गया? कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने में एजेंसियां और सरकारें सुस्त क्यों हो गईं? और एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच जिम्मेदारी दूसरों पर फेंकने वाली राजनीति क्यों हो रही है? केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है, और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं, तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया, और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई। कोरोना से जंग में दिल्ली एक बार फिर से जीतेगी, लेकिन तभी जब मिलकर उसका मुकाबला हो। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लिहाजा नींद अब टूट रही है। एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि राजधानी दिल्ली में कोरोना का जो विस्तार है उसको रोका जा सके। लेकिन आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल से यह निवेदन किया गया था कि शादियों में सिर्फ 50 लोगों को ही जाने की इजाजत हो, और आज इस पर मुहर भी। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी को बाजार में हम देखते हैं कि सिंह और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी न डरें, और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है।
सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं कस्टमर्स से भी कहूंगा, जो आम जनता है दुकानों पर जा रही है, कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के इस समय में भीड़ से बचें और मास्क लगा के चलें। जहां भी आपके पास में जाने की जरूरत है, मास्क जरूर। जी बिल्कुल, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। राजधानी दिल्ली में इस बार सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी है। इस बारे में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब जान बचेगी तभी तो धार्मिक परंपराओं का पालन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि लगता है याचिकाकर्ता को दिल्ली में कोरोना का हाल नहीं मालूम। इसके पहले छठ को लेकर बीजेपी और केजरीवाल सरकार में सियासी खींचतान जारी रही। छठ त्योहार को लेकर सियासत गर्मा गई है। सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध के बाद एमसीडी में बैठी बीजेपी हर हाल में छठ व्रत घाट पर मनाने में जुटी हुई है। मैदानगढ़ी इलाके से पार्षद संजय ठाकुर ने स्थानीय लोगों और पूर्वांचल समाज के साथ मिलकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला और छठ घाटों की सफाई अभियान शुरू कर दिया। छठ पूजा कौन करेगा? तो छठ पर सियासत लगातार जारी है। इन सबके बीच दिल्ली में बढ़ते कोरोना के आंकड़े जिसने सभी को परेशान करके रखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।